सुख और दुख दोनों ही बंधन में कैसे डालते हैं? मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों ही बंधन में कैसे डालते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम शास्त्रों के उदाहरण के अनुसार यह समझने की कोशिश करेंगे कि सुख और दुख दोनों ही बंधन में कैसे डालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, जब भी जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति उस दुख के कारण बंध जाता है, क्योंकि वह सुखी होना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में आया वह दुख उसे सुखी होने नहीं देता। वही दूसरी ओर, जब जीवन में सुख आता है तो व्यक्ति उसमें इतना खो जाता है कि वह भविष्य में आने वाले दुख को नहीं देख पाता और फिर उसी बंधन में पड़ जाता है। भगवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, अगर मैं इन लोगों को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा और इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम युद्ध से मिलने वाली लाभ और हानि, सुख और दुख को एक समान समझो, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कहने का आशय यह है कि अर्जुन को दोनों ही स्थिति में अपना नुकसान दिखाई दे रहा था। अगर अर्जुन के द्वारा कौरव मारे गए तो उसे पाप लगेगा, और अगर पांडव मारे गए तो उनके प्राण चले जाएंगे। इसलिए अर्जुन की युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। इसी तरह इस संसार में सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण चाहता हो, उसको आस्तिक बनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सुख में व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर पाता और दुख में भी नहीं कर पाता, इसलिए सुख और दुख दोनों ही बंधन में डालते हैं। सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति को इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। इसका मतलब, अगर सुख आया है तो दुख भी एक दिन आएगा और दुख आया है तो सुख भी एक दिन आएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उस पर भगवान की कृपा बानी रहती है और मुश्किल समय में भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता उस पर भी दुख आता है, और जो पूजा करता है उस पर भी। जब नास्तिक व्यक्ति पर दुख आता है तो वह दुख के मारे भगवान की पूजा नहीं कर पाता, और सुख के समय वो सुख में इतना खो जाए है कि उसे भगवान की याद नहीं रहती, और इस तरह सुख और दुख दोनों ही बंधन में डालते हैं। सुख और दुख में समान रहना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखे तो वह मुक्ति के योग्य हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव नहीं रखता वह मुक्ति के योग्य नहीं है और बंधन में पड़ा रह जाता है, और इस तरह सुख और दुख दोनों ही बंधन में डालते हैं, अगर दोनों दो समान भाव से नहीं देखा जाए तो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार दुखालय है और मेरी भक्ति करने वाले फिर दोबारा दुखों से भरे इस संसार में नहीं लौटते। तो इस प्रकार से संसार का सुख और दुख दोनों ही दुख साबित हुआ, और इसलिए दुख और सुख दोनों ही बंधन में डालते हैं। दुख तो हमेशा ही बंधन में डालता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है किसी बीमारी के कारण और उस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है तो वह दुखी ही रहेगा। सुख और दुख के बंधन से बचने का उपाय, वह व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता बल्कि सुखी रहना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा, इसी को कहते हैं बंधन में होना। अर्थात उस व्यक्ति को जबरदस्ती बंधन में रहकर वह दुख झेलना पड़ रहा है। इस बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका उपाय भगवत गीता में बताया गया है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दुख के समय में विचलित नहीं हो और सुख की कामना ना करे वह स्थिर बुद्धि ऋषि कहलाता है। इसका मतलब, अगर कोई व्यक्ति दुख में है
और वह उस दुख से परेशान ना होकर उसे झेल ले और साथ ही सुखी होने की कामना ना करे, तो वह किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहेगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सुख और दुख दोनों ही बंधन में कैसे डालते हैं और इस बंधन से बचने का उपाय क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।